कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है अपने ही YouTube चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरा कोई वीडियो आपके पास नहीं आ रहा। बीच में मैं एक महीने पहले एक वीडियो लेकर भी आई थी, उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन अब चूँकि विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं और विंटर्स में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, तो आज मैंने कुछ फ्लावरिंग प्लांट की परचेजिंग की है। मैं अपने गार्डन पे फिर से दोबारा ध्यान देने लगी हूँ और कुछ की मैंने सीडलिंग भी की है। देखिए, सीडलिंग करने का तो क्या है, एक्चुअली मैं 15-20 दिन लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि सीडलिंग करने का सही टाइम तो अक्टूबर के मिड में या फिर ये था कि आप अक्टूबर के स्टार्टिंग में भी कर सकते थे या मिड में भी कर सकते थे। वैसे तो सितंबर में की जाती है जो विंटर्स के फ्लावरिंग प्लांट हैं उनकी सीडलिंग, लेकिन इस बार गर्मियां कुछ ज़्यादा ही थी और सितंबर में तो बहुत ज़्यादा थी, तो उनकी सीडलिंग पॉसिबल नहीं थी। तो जिन लोगों ने अक्टूबर में कर ली वो अच्छा है, जिन्होंने नहीं की वो अब कर सक अभी मतलब आप ज़्यादा लेट मत कीजिए, वो अभी आप सीडलिंग कर सकते हैं। और अगर आप सीडलिंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं लेट हो गए हैं, तो आप फिर आप रेडी प्लांट ले आइए, जिन्हें कि लगा के वो एक महीना अगर आप इस प्लांट को लाकर लगाएंगे किसी को, तो सेट होने में वो एक महीना आराम से ले लेगा, तब जाके वो फ्लावरिंग पे आएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो भी फ्लावरिंग प्लांट खरीद कर लेकर आएंगे वो लगाते ही फ्लावर्स देने लग जाएगा। पहले वो डिफोलिएट होगा, उस मिट्टी में सेट होगा अच्छे से, उसके बाद वो उसकी कुछ कंडीशंस भी चेंजेस होंगी, तब जाके वो आपके पास फ्लावरिंग देगा। तो यह सही टाइम है कि आप अगर फ्लावरिंग प्लांट लाकर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास सीड्स हैं, आप अभी लगाना चाहते हैं, तो उनको भी अब जल्दी लगा लीजिए, ज़्यादा लेट मत कीजिए। तो आप उसमें जैसे अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा देते रहिएगा तो वो जल्दी ही ग्रोथ पे आ जाएंगे। मैंने भी कुछ प्लांट की सीडलिंग की है, उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए मैं आज कुछ प्लांट भी लेकर आई थी जिनका, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं कुछ जैसे कि अब मैं आपको पीछे बताती हूँ, ये देखिए एक मैं की प्लांट लेकर आई हूँ, ये कितना खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है विंटर का। इसमें बहुत सारे कलर शेड आते हैं, तो मुझे इसका ये कलर अच्छा लगा, मैं इसको लेकर आई। एक ये बर्बीना का प्लांट है, इसका कलर देखिए कितना वाइब्रेंट है, कितना वाइब्रेंट कलर है, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जब पूरा बुशी हो जाएगा, हैंगिंग बास्केट में मैं इसे लगाऊँगी या फिर किसी छोटे पॉट में मैं इसे लगाऊँगी, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। एक ये पेटूनिया की मैं पौध लेकर आई हूँ। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जो लोग सीडलिंग नहीं करना चाहते, जिनके हिसाब से वो बहुत लेट हो चुके हैं, आपके आसपास की लोकल नर्सरी में इस तरह की पौध आपको आसानी से मिल जाएंगी। आपको इसमें कलर्स का पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आप ये पौध खरीद सकते हैं। जैसे कि मुझे ये पौध ये 6 रुपीज़ की मिली है, 6 या 7 रुपीज़ की आई थिंक, है ना, बोला तो उसने 10 रुपीज़ का था, लेकिन मैं 6 या 7 रुपीज़ में लेकर आई हूँ उसे। एक ये और दो मैं ये स्ट्रॉबेरी की पौध भी लेकर आई हूँ। एक तो ये रही, ये मुझे 20 रुपीज़ ईस मिली है। अब देखते हैं कि इसमें फ्रूटिंग आती है या नहीं, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट सीड से तैयार होने में बहुत टाइम लग जाता है। और मुझे बहुत हेल्दी, देखिए इसकी रूट्स भी कितनी हेल्दी हैं, तो ये मुझे 20 रुपीज़ ईस मिली है और ये मेरे हिसाब से बहुत सही है। मतलब आपको रेडी प्लांट मिल रहा है, आप इसे रेडी टू मतलब आप इसे डायरेक्ट सॉइल में लगाइए, बस आपका प्लांट रेडी है। और ये जो मुझे बर्बीना का प्लांट है, ये मुझे 25 रुपीज़ में मिला है और ये प्लांट भी मुझे 25 रुपीज़ में मिला है। ये एक प्लांट है डायंथेस का, इसका देखिए कितना सुंदर शेड है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बटरफ्लाई आपके किसी प्लांट पर बैठी हुई हो, बिल्कुल बटरफ्लाई का लुक दे रहा है। मुझे इसके ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बटरफ्लाई का लुक दे रहा था, तो ये मुझे 20 रुपीज़ का मिला है। ये भी मैं लेकर आई हूँ, डायंथेस की मैंने सीडलिंग भी की है, तो उसके भी प्लांट्स जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि इसकी सीडलिंग बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाती है और इसके प्लांट मार्च या अप्रैल तक तो आपके पास आराम से रहते हैं, तो इसकी इसलिए मैंने सीडलिंग भी कर दी है। दो मैं ये पेंजी के प्लांट लेकर आई हूँ, ये येलो कलर मुझे बहुत पसंद है, एक ये रेड कलर है,
मैं इन दोनों की हैंगिंग बास्केट बनाऊंगी। ये मुझे 30 रुपीज़ ईच मिला है। पेंजी को सीड से ग्रो करना आसान नहीं होता, इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप पेंजी की डायरेक्ट या तो पौध खरीद लीजिए या फिर ऐसे ही प्लांट खरीद लीजिए। 30 रुपीज़ आई थिंक ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा प्लांट लेकर आते हो तो वो जल्दी ही आपको फ्लावरिंग भी देने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि आप ज़्यादा टाइम बाद जब अपने प्लांट्स लाकर लगाते हैं ना, तो मौसम में ठंडक ज़्यादा हो जाती है, फिर उसमें फंगस के अटैक का डर रहता है। अभी क्या है, धूप भी अच्छी निकल रही है, सब कुछ है, तो आपको प्लांट को सेट होने का टाइम मिल जाएगा, फंगस के अटैक का डर आपके प्लांट में नहीं रहेगा। और आप इतने महंगे प्लांट नहीं खरीदना चाहते तो आप फिर इस तरीके से, ये पौध जो मेरे पेटूनिया की दिख रही है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से ला सकते हैं। तो मैं अभी पेटूनिया की साथ साथ पौध और लेकर आने वाली हूँ और लाकर लगाऊंगी, क्योंकि पेटूनिया इस समय बहुत महंगा मिल रहा है हमारे यहाँ, तो मैंने सोचा है कि मैं उसकी पौध लाकर लगा लेती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। और कोई एक दो कलर मुझे बहुत ज़्यादा खास पसंद आया डबल पेटल में, तो मैं डायरेक्ट उसका प्लांट ही परचेज करूँगी, मैं सीडलिंग का वेट नहीं करूँगी। तो ये तो थी मेरी आज की ये शॉपिंग जो मैंने की थी अपने प्लांट्स को लेकर। इसके साथ मैंने आपका वीडियो शेयर किया। कल मैं जो वीडियो शेयर करूँगी इसमें आपको बताऊँगी आप विंटर्स के लिए जो प्लांट हैं उनके रिपोर्ट कैसे करना चाहिए, उनका पॉटिंग सॉइल कैसा होना चाहिए, सीडलिंग के लिए आपका पॉटिंग सॉइल क्या होना चाहिए, और जो स्ट्रॉबेरी के मैंने प्लांट खरीदी हैं उसके लिए उसे हमें कैसे रिपोर्ट करना है, उसका सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए। तो आप उन वीडियोस को मिस मत कीजिएगा, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। और जिन लोगों ने सीडलिंग नहीं की है या फिर करना चाहते हैं वेजिटेबल्स की भी फ्लावर्स की भी, वो आप इमीडिएटली कर दीजिए, ज़्यादा लेट मत होइएगा, वरना क्या होगा, सीज़न ख़त्म हो जाएगा, आपके पास फ्रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं आ पाएगी। पर फिर भी मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप इस तरीके की छोटी छोटी पौध अगर आपके आसपास मिल जाती हैं तो आप ले लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इनकी रूट्स आपको प्रिपेयर मिलेंगी और प्लांट एटलीस्ट इतना बड़ा तो है मिलेगा ही। हेल्दी प्लांट है, दिस इज़ नॉट टू मच मनी, मतलब आई थिंक मुझे नहीं लगता 20 रुपये इसके लिए ज़्यादा हैं, अगर आपके पास फ्रूटिंग आ भी जाती है एक बार भी तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको इस तरीके के पौध मिल जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। और सीडलिंग भी कुछ चीज़ों की कर लीजिए, क्योंकि सीडलिंग से हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि हमें किस तरीके से सीडलिंग को ग्रो प्लांट ग्रो करने चाहिए, उनके लिए कैसे काम करना चाहिए। और कुछ रेडी प्लांट भी आप लाकर लगा सकते हैं। तो मिलेंगे फिर कल आपके साथ, वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे आपको पॉटिंग सॉइल बनाना है, तो आप वीडियो का वेट कीजिएगा। गुड बाय दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ।